हिमाचल प्रदेश कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने भाजपा विधायक त्रिलोक जामवाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सत्ता में आते ही नशे का कारोबार करने वालों को खुलकर संरक्षण दिया हुआ है और वे उनकी गाड़ी में सरेआम घूमते हैं। वहीं विकास कार्यों को लेकर उन्होंने जनता को गुमराह किया है। बरमाना की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज दिन तक विधायक ने इस क्षेत्र की सुध तक नहीं ली और ना ही कभी जन समस्याएं सुनने के लिए गए। यहां तक कि विधायक निधि से भी एक ठेला तक नहीं लिया, जबकि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद बरमाना क्षेत्र की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत से बरमाना पंचायत में पानी की समस्या का स्थायी हल निकाला गया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बरमाना पंचायत की प्रधान पूजा देवी और ग्रामीणों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात कर पानी का मसला उठाया गया था, जिस पर उस ओर से तत्काल बजट का प्रावधान कर काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत में गांव वार ओवरहेड टैंक बनेंगे और लोगों को पानी के पीने की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। और क्या कुछ कहते हैं हिमाचल प्रदेश कमेटी महासचिव बंबर ठाकुर, आइए सुनते हैं। पंचायत के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और डिपार्टमेंट का भी मैं धन्यवाद करता हूं, इन्होंने मुस्तैदी दिखा करके जोर शोर से काम शुरू किया। पार्टी के नेता अपनी निधि से 1 रुपया नहीं दे सके, ना अपने किसी MLA प्रायोरिटी के अंदर स्कीम को डाल सके। अब उनकी ही त्रिलोक जुमाड़ की ही गेंग का एक आदमी है जो जैसे मैंने इनके ऊपर पहले भी कहा कि सुबह उठते ही भांग भी लेते हैं, वो भी भंगी है। अगर भंगी आ गया तो आदमी आकर के बोलता है कि मैं पैसे ले आया जी, मैंने जो है ये काम शुरू कर दिया। तो ये लोग अभी बरमाना क्षेत्र के अंदर जो है काम करने के लिए जाते हैं तो नशाखोरों के साथ बैठते हैं। नशाखोर जो है वो टेलीविज़न के सामने आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं जी हम ले आए पैसे। किसी नशेड़ी को कौन डिपार्टमेंट का आदमी पाइप देगा? तो ये कहता था जवाड़ कि 12 तारीख तक तुम देखो, उसके बाद मैं देखूँगा, आपके बच्चों को सुरक्षित कर दूँगा। उसके सारे दोस्त यहाँ बिलासपुर में बरमाना के क्षेत्र के अंदर और घावेस में सरेआम नशा बेच रहे हैं, वो व्यक्ति कहाँ पे सोया हुआ है? लोगों को गुमराह करने का काम जो है वो तो लोग जुमाड़ ने किया है। और लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। ये जरूर बोला कि जी भांग की खेती को जो है वो रेगुलर कर दो ताकि पीने का इंतजाम जो खुल हो जाए, ये तो जरूर बोला है इसने। तो चलो वो तो एक मेडिसिनल प्लान के तौर पर यदि सरकार करना चाहेगी तो एक अलग बात है, बट त्रिलोक जुमाल ने भांग के बारे में जरूर बोला कि भांग जो है वो बड़ी एक अच्छी चीज़ है और चोरी छुपे लेने से तो बेहतर है कि वे इसे हानि मिलती रहे। तो उससे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं सब के सब व्यक्तिगत तौर पर त्रिलोक जुमाल के दोस्त हैं, उस पर आपने जो पकड़े गए हैं वो आपके दोस्त हैं, जो अभी पकड़ से बाहर हैं वो भी आपके दोस्त हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कार्य में जो है वो सुस्ती नहीं होनी चाहिए। उचित और भांग बेचने वाले लोग और पीने वाले लोग हैं जिसके संरक्षण में ये काम होता है, जिसकी गाड़ी में ये नशेड़ी घूमते हैं, उनके ऊपर जो है SP बिलासपुर को अंकुश लगाना चाहिए। और जिस क्षेत्र के SHO को ये मालूम नहीं है कि मेरे क्षेत्र के अंदर भांग बेचने वाला और चिट्टा बेचने वाला चिट्टा बेच रहा है और SHO के क्षेत्र के अंदर SHO उस पर कार्रवाई ना करे, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो पुलिस को इसमें मुस्तैदी दिखानी चाहिए। वाल से मैं कहना चाहूँगा कि जितने दिन भी तुम्हारे पास ये फ्रॉड तरीके से कलम आई है उसका इस्तेमाल जनता के
समस्याओं का समाधान करने के लिए आए। होस्टल के ऊपर या अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए एक शब्द जो है विधानसभा के अंदर ने बोला, ठीक है आप जो खाते पीते हैं पियो, बट विधानसभा के अंदर जब जाते हैं तो बिलासपुर की समस्या को उठाओ जितने दिन आपको पास है। अब हर समय जो है वो खाने पीने में मशगूल रहे और उसी गेट के अंदर मशगूल रहे तो इससे जो है वो बिलासपुर की जनता का भला होने वाला नहीं है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, सांडल साहब का।